राम राम जी। सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के जो आपके हॉस्टल है उनमें आपको फॉर्म कैसे भरना, ठीक है। जो एमडीयू की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे वो तो इसके अकॉर्डिंग भर भी रहे फॉर्म, मैंने खुद भर दिया था भाई, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि student.md.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर आपको आना, जो आपको ये वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये वाला सरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये सरफेस चेक करना, ठीक है। ये सरफेस के बाद जब आपको सामने दिखेगा तो सेकंड जो पॉइंट देख रहा है, इन्होंने क्या देख रहा, आफ्टर ओपनिंग स्टूडेंट पोर्टल देन इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन नंबर ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, और एंड फोरम नंबर न्यू स्टूडेंट एंड पासवर्ड फॉर लॉगिन, ठीक है। अब यहां इसका मतलब क्या है, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो भाई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करके उसके साथ पासवर्ड डाल के अपना कर देंगे, ठीक है, यहां पे ओके। तो अब जो नए स्टूडेंट है उनके लिए क्या देखा कि फोरम नंबर, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था ना उसके ऊपर आपका फॉर्म नंबर पाएगा, ठीक है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे आपको फॉर्म नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना, ठीक है। अब पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड रहने वाला आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2005, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखना है 10022005, ठीक है। यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में कोई कोमा कोई स्लैश नहीं डालना, सीधी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है गिनतियों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके ये चीज करके लॉगिन कर लेना, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपको अप्लाई फॉर एडमिशन करना, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये वाला सरफेस आएगा, ठीक है, सरफेस आएगा। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई फॉर हॉस्टल एडमिशन, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं आता, कई बार पता है क्या आता है, सिर्फ माई अकाउंट आएगा, उसके बाद रिफ्रेश मेन्यू आएगा, बीच वाले ऑप्शन खत्म हो जाते, तो आपको क्या करना है कि आपको इसको लॉग आउट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा इसको, ठीक है, उसको लॉग आउट कर दोबारा लॉग इन करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बायोमेट्रिक वो आएंगी सारी की सारी डिटेल, ठीक है, मतलब आपका मतलब एजुकेशन डिटेल, बायोमेट्रिक डिटेल, रेजिडेंस डिटेल, एजुकेशन डिटेल, ठीक है। उसके बाद जो सामने ये दिखेगा ना, इसके ऊपर क्लिक करना, इसके ऊपर क्लिक करके जो पहला आपका स्टेप, स्टेप वन आपको दिखेगा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका फोटो अपलोड करना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट के बाद आपका कोर्स क्लास आ जाएगी, सेमेस्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो डिस्टेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस कितने किलोमीटर, उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने पहले हॉस्टल ले रखा तो येस करना, अगर नहीं ले रखा है तो आपको यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो पहले से ही मिलेगा, तो उसके बाद अगर आप दोबारा से एड्रेस फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, और सबमिट करके सबमिट एंड व्यू कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि फिर आपको चाहिएगा दूसरा स्टेप टू, ठीक है। यहाँ पे स्टेप वन क्लिक कर दोगे, उसके बाद सेम वही चीज़ देखेगी, तो आपको स्टेप टू पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपका गर्ल्स के लिए मैंडेटरी है, बॉयज़ को भरने की जरूरत भी नहीं है इतना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपके गार्डियन का नाम करना, ठीक है, जैसे अक्षय कर दिया इन्होंने, इनके फादर हैं, इनका फ़ोन नंबर फिल कर दिया, ठीक है, भाई फोन नंबर मिलाइए ना, ठीक है, 9876503211 है, ठीक है, कहते फिर मिला के सोचने लायक जो, ठीक है। तो उसके बाद अपने गार्डियन का यहाँ पर फोटो अपलोड करना, उसके बाद उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी प्रूफ करके उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने जो गार्डियन, उनके मिनिमम दो गार्डियन की जरूरत होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, उनके नाम वगैरह सारी चीज़ें फिल कर सकते हो, ओके। ये फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपके पास जो तीसरा ऑप्शन आएगा वो आएगा स्टेप थ्री, पे फीस फॉर अप्लाई फॉर हॉस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा, क्लास, सेमेस्टर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद पे फीस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके फीस पे कर देनी है, ठीक है। फीस पे करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपकी 100 रुपये फीस कटने वाली, ठीक है, 100 रुपये आपको फीस का, यहाँ पे आपको ये जो डिक्लेरेशन होती है ना अंडरटेकिंग, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके आपको करके फिर आपको कन्फर्म एंड प्रोसेस एंड मेक पेमेंट कर देनी है, ठीक है। पेमेंट आपको कहाँ से करनी है, या तो आपको इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, या डेबिट क्रेडिट कार्ड से, या फ्री चार्ज से कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे फिर टर्म एंड कंडीशन ओके करके, उसके बाद आपको अगर आपको वीज़ा कार्ड से करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, फ्री चार्ज जिस पे भी क्लिक करके अपना भाई मास्टर कार्ड वगैरह से कटवा देना, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस कटवाने की चीज़ हो गई, ठीक है, फ़ीस कटवा देना, और उसके बाद अपने भाई फीस आपकी वीज़ा या मास्टर कार्ड से कटेगी, रुपये डेबिट या रुपये क्रेडिट कार्ड से नहीं कटेगी, चीज़ अपने ध्यान में रखना, ओके। तो उसके बाद भैया अपने सबमिट करवा देना, सबमिट करवाने के बाद आपका ये हॉस्टल का फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा तो उसकी एक फोटोकॉपी आप निकाल के अपने जो डिपार्टमेंट है उसमें जमा करवा देना, ठीक है।
इसके बाद भाई जो एक वो डाउट था, तो इसमें देखो ये मैंने उसमें बता दिया था, ये यहाँ पे भी ठीक है। तो आपको क्या ओल्ड स्टूडेंट को आपको यही करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से, न्यू स्टूडेंट को आपका फॉर्म नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, और आपका जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है, पहले आपको डेट, फिर मंथ, फिर ईयर आएगा, और बिना किसी स्लैश, बिना किसी कोमा के, ठीक है। सो होप करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी किसी फर्स्ट ईयर, देखो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट ने तो मोस्टली ने भर दिया, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को अगर अभी भी यहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई अपने डिपार्टमेंट में जाके बात करो कि सर हमारा इससे भी नहीं हो रहा, तो वही आपका सोल्यूशन निकालेंगे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपका इससे अलग और कोई डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए आराम आराम।